ओसाका के ग्रैंड फ्रंट टावर के पास। और आज जो हम देखने वाले हैं वो है डाइसो 100 येन शॉप चेन, जिसमें हम देखेंगे स्टेशनरी, फाइल्स, बुक्स, साकुरा स्टाइल आइटम्स, वारीबाशी, गोमी बुकरो, रामेन के पैकेट्स, मेकअप आइटम्स, यूटेंसिल आइटम्स, ड्रिंक्स, और साथ में सीखेंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो कि शॉपिंग में यूज होते हैं। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं डाइसो 100 येन शॉप के अंदर। 100 येन शॉप के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर इतनी सारी आइटम्स, बहुत सारी छोटी छोटी आइटम्स जो सुबह से लेकर शाम तक यूज में आती हैं, वो आपको 100 येन में मिलेंगी। जिसका प्राइस टैग नहीं है वो 100 येन में मिलेगा, और जिसका प्राइस थोड़ा सा 100 येन से ऊपर है, सभी ज्यादा से ज्यादा 400 येन तक होती हैं, लेकिन जिनका प्राइस 100 येन से ऊपर है उसके ऊपर प्राइस टैग लिखा होगा, जैसे 200 येन, 250 येन। इस टाइम जो हम देख रहे हैं वो है हांको, इसको कहते हैं हांको, और हांको जो है वो जापानीज इंडिविजुअली भी यूज करते हैं, मतलब जैसे हम लोग साइन करते हैं वैसे जापानीज लोग हांको यूज करते हैं। और ये एक छोटी सी स्टैंप होती है, रेड कलर से इस पर मार्क करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनमें हांको का यूज होता है, साइन का भी यूज होता है। जैसे अगर आप जापानीज को देखेंगे इंडिया में तो साइन भी वो करेंगे या फिर हांको भी होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लिप्स, कैलकुलेटर्स, ये सब इतने सारे क्यों रखे हैं, क्योंकि जापान में ऑफिसेज बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। यहाँ पर क्लिप्स, मैग्नेट्स, कैलकुलेटर, मेमो पैड, स्टिकर्स, इन सब का बहुत यूज होता है। सब लोग शेड्यूल्स बनाते हैं, शेड्यूल्स को हमेशा लिख लिख के चलते हैं, क्योंकि इतने सारे छोटे छोटे काम होते हैं। और ये आपने जो बेसिक जापानीज लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उन्होंने ये देख भी लिया होगा N5 में ही, कि किस तरह से तेचो यानी कि पॉकेट डायरी को जापानीज लोग यूज करते हैं। देखिए जापान में कहीं पर भी आप शॉपिंग करते हैं, चाहे वो डाइसो की ये जो 100 येन शॉप है या फिर कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, बिग कैमरा है, जैसे काई के कैशियर की जो जगह होती है वहीं पर जाके आपको पे करना होता है, और सेम सिस्टम होता है, लाइन में लग के आप पे करते हैं। पे करते समय वो आपसे पूछ सकते हैं कि रेशीतो इरिमास का या फिर रेशीतो दाइजोबु देस का, इसका मतलब होता है रिसीट आपको चाहिए या रिसीट दाइजोबु मतलब आपको नहीं चाहिए। सिमिलरली आप भी कह सकते हैं कि कादो दे ओनेगाई शिमास या फिर गेंकिन दे ओनेगाई शिमास। सिमिलरली आपसे कैरी बैग के बारे में पूछते हैं कि आपको कैरी बैग चाहिए या नहीं चाहिए। डाइसो में यूजुअली सारा सामान इंडिया से भी सस्ता मिलेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं फूड आइटम्स को छोड़ के। फूड आइटम्स थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन बाकी सारी जितनी भी ये चीज़ें दिख रही हैं, क्लिप, सीजर्स, फाइल्स, स्टेशनरी आइटम्स, ये सब कुछ इंडिया के रेट पर या फिर इंडिया के सस्ते रेट पर भी आपको मिल सकता है। और इसलिए खास तौर पे फॉरेनर्स जो हैं वो 100 येन शॉप में जाना पहले प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया लग जाता है कि जो भी चीज़ चाहिए मुझे सुबह से लेकर रात तक अपने अपने स्टडी के लिए, अपने ऑफिस के लिए, वो मुझे यहाँ से बहुत सस्ता मिल सकता है। हांको भी आप बनवा सकते हैं अपना जापान में जाके, अपने नाम से, अपने काताकाना के नाम से हांको भी बनवा सकते हैं। जापान में बड़ी सारी बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो कांजी को अलग से पढ़ना चाहते हैं, हिरागाना की प्रैक्टिस, मतलब हम फॉरेनर्स के लिए जैसे हिरागाना की प्रैक्टिस है और कांजी की प्रैक्टिस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर N4 की बात करें, N5 की बात करें, तो आपका सेकेंड या थर्ड क्लास के बच्चे की बुक से ही काम चल जाता है, पढ़ने में भी मज़ा आता है और आपको कांजी भी अननोइंगली आप बहुत सारी सीख जाते हैं, देखने की प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर हम N2 लेवल की बात करें तो वो सिक्स क्लास या सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट जितना बुक्स को वो बच्चा रीड कर पाता है। और भी बहुत सारी बुक्स होते हैं, जैसे पजल बुक्स, कलरिंग बुक्स, हिरागाना बुक्स किड्स के लिए, कोतोबा बुक्स होती हैं किड्स के लिए, और कॉमिक्स तो बहुत सारी होती है। कॉमिक्स का तो सब जगह पूरा बोलबाला है, और आपको अलग अलग जैसे 7-Eleven है, वॉलमार्ट है, इनमें भी आपको बहुत सारी कॉमिक्स आपको देखने को मिलेंगी। जापान जो है वो अपने बहुत ही क्यूट, बहुत ही स्टाइलिश स्टेशनरी के लिए फेमस है, और यहाँ पर अलग अलग तरह की स्टेशनरी लोग यूज़ करते हैं। मैंने जैसा भी आपको बताया कि वो लोग ज़्यादातर बिजी रहते हैं और हर चीज़ को वो लिख लिख के करते हैं, अपने शेड्यूल बुक में लिखते हैं, और इसके साथ साथ पेंसिल बॉक्स, पेन, पेंसिल, ऐसे भी पेन्स होते हैं जो कि इरेजेबल पेन होते हैं, उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, पिंक कलर का, पर्पल कलर का, और उनको आप इरेज भी कर सकते हैं, ऐसे भी पेन्स होते हैं। जापान में जब आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद फिर आप
अलग अलग कल्चरल चीजें भी देखेंगे, मतलब ये जो जैसे स्टेशनरी है तो हर देश में मिल जाएगी, लेकिन ऐसी पेक्यूलियर कल्चरल चीजें जैसे हाशी है या चावान है, तो वो जापान में ही आपको इतने सुंदर सुंदर इतने अच्छे अच्छे दिखेंगे। और देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की बात करें या छोटे किसी बहुत ही छोटे से शॉप की बात करें, जापान में वैरायटी इतनी ज्यादा रखी होती है। अगर एक पेन लेना है तो आपको हजारों पेन दिखेंगे, अगर एक आपको नोटबुक लेनी है तो हजारों तरह की नोटबुक दिखेंगी, जिससे ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको पूरी तरह से अल्योर करने का कि आप उसको परचेज करते समय साथ में कुछ और परचेज कर लें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक बार गया था कीबोर्ड लेने, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं माउस भी ले आया, जबकि मेरे पास माउस था, तो भी मैं अपने फ्रेंड के लिए माउस ले आया। तो ये होता है हमारे साथ, जैसे स्लीपर्स की बात करते हैं, जापान में जो स्लीपर्स होती हैं वो अलग अलग तरह की होती है, बाथरूम से में जाने वाली अलग होती हैं, रूम में पहनने वाली अलग होती हैं, तो ये भी एक और ये ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, ये भी सस्ती मिलती हैं आपको, अगर 200 yen 150 yen भी आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। और क्लीनिंग का जो सामान है वो भी अलग अलग तरह का क्लीनिंग का सामान होता है, जो कि आपको बहुत क्रिएटिविटी आपको लगेगा, काफ़ी कंफर्टेबल है जापान में रहना, क्योंकि एक बारी जो आपने स्टाइल सीख लिया उसके हिसाब से फिर आप अपने परचेजिंग को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जैसा भी बताया कि बहुत ही स्टाइलिश होता है जापान में, जैसे कि साकुरा सीजन आने वाला है, तो साकुरा सीजन के आने से पहले ही अलग अलग कस्टमर्स इन चीज़ों को खरीदें, उसके लिए साकुरा के स्टाइल के या फिर उसके कलर के या फिर उसकी फोटो के यूटेंसिल्स, स्टेशनरी आइटम्स, इवन मेकअप आइटम्स भी वहाँ पर रखे होते हैं। साकुरा का जो सीजन है वो लगभग मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के स्टार्टिंग में आता है, और ओसाका ऊपर से टोक्यो से शुरू होता है, ओसाका नीचे की तरफ आता है खिलता हुआ फूल, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, जैसे कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, ये जो फ्लावर है बिल्कुल एग्जैक्टली साकुरा की कॉपी करी हुई है। तो इसमें हाँ बस एक है कि काफुनशो नाम का एक फीवर होता है, ये बस एक नेगेटिव पॉइंट है। वैसे तो साकुरा देखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन मास्क लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि काफुनशो एक ऐसा फीवर होता है जो कि यूजुअली पॉलन ग्रेन से एलर्जिक, जो भी एलर्जिक हैं जापान में या फिर अगर कोई जापान जाके एलर्जिक हो जाते हैं उससे, तो उनको वो हो जाता है। यूजुअली जापान में ट्रेंड होता है, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बता ही देगा कि हाँ हाँ ये तो हम जानते ही हैं, ये तो होता ही है, कोई बात नहीं। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वारीबाशी की। वारीबाशी का पहले हाशी के बारे में आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने N5 सीखा है उनको पहले ही पता चल गया होगा कि हाशी क्या होता है। हाशी होता है चॉपस्टिक्स जिससे खाना खाते हैं, और वारीबाशी वारीमास का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि वारीबाशी वो हाशी जिसको आप पहले डिवाइड करते हैं, हाथ से तोड़ते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, उसको वारीबाशी कहते हैं। वो सस्ता पड़ता है, पूरा पैक आता है, वो आपको 150 yen या 100 yen में मिल जाएगा, पूरा पैक होता है, उसमें बड़ी सारी हाशी होती है, लगभग 50 या फिर 100 अलग अलग होती हैं। लेकिन जो ये अलग दूसरी हाशी आपको दिख रही है, ये वारीबाशी नहीं है, ये सिर्फ हाशी है, ये महंगी आती है, ये आती है लगभग 200 yen 300 yen 400 yen 500 yen की आती है। और ये जैसे एक होती है वो जैसे गेस्ट के लिए या फिर कस्टमर्स के लिए रखी होती है। वारीबाशी यूजुअली लोग यूज डेली यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो होती है। मुझे तो वारीबाशी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उससे स्लिप होना कम होता है खाने का। एनवेलप्स जो है ये इसको फूतो कहते हैं, जो कागज़ के एनवेलप होते हैं, और जो गोमी बुकरो है, ये गोमी बुकरो जो होता है वो अभी जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया कि नाका का मिए नाई, यानी कि नाकामी का मिए नाई, यानी कि अंदर का पार्ट ना दिखे, तो इस तरह से गोमी बुकरो जो है उसके रोल्स। और ये जो है ये ओनिगिरी केस है, ओनिगिरी केस का मतलब होता है ओनिगिरी स्टाइल का। ओनिगिरी क्या होता है, राइस बॉल होता है जो कि ट्रायंगल शेप में होता है, ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था। इस तरह से बहुत ही क्यूट क्यूट छोटे छोटे जैसे लंच बॉक्स हो गए या फिर पेंसिल बॉक्स हो गए, इस तरह की स्टेशनरी बहुत सारी जापान में भरी होती है। ये गिफ्ट्स के तौर पे भी दिए जाते हैं, जैसे हाशी जो है गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, अलग 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 कलर्स के, अलग अलग स्टाइल के होते हैं। रामेन सोबा इनके पैक्स होते हैं जापान के अंदर, आपने ये देखा ही होगा, इंडिया में भी मिलता है कि आप इसको ऊपर से थोड़ा टियर करें, अंदर पानी डालें, 3 मिनट इसको रखें ऐसे ही, और ये काफ़ी टेस्टी सोबा भी होता है, रामेन भी होता है, अलग अलग तरह के फ्लेवर्स के नूडल्स आप खा सकते हैं। ड्रिंक्स की बात करें तो जापान में ड्रिंक्स जो हैं वो बहुत बहुत
लार्ज वैरायटी के इतनी ज्यादा वैरायटी होती है कि एक आदमी कंफ्यूज हो जाए, पूरा एक महीना लग जाए उसको ये अलग अलग ड्रिंक्स टेस्ट, अगर वो एक दिन में एक भी करता है तो वो कई महीनों तक अलग अलग ड्रिंक्स टेस्ट कर सकता है। जैसे ओचा है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक्स है या पीच ड्रिंक है, मैंने आपको बताया था कि कोका कोला आती है पीच ड्रिंक पीच फ्लेवर में, तो इस तरह से वैरायटी बहुत ज़्यादा है जापान में। अगेन वही कॉन्सेप्ट है कि कस्टमर जो है वो, जैसे अगर मेकअप की बात करें तो कस्टमर एक चीज़ खरीदने आए तो साथ में दूसरी चीज़ खरीद ले, इतना सुंदरता से उसको रखते हैं, उसको इतनी ज़्यादा वैरायटी बना के इतने ज़्यादा कलर्स में डाल के रखते हैं, और ऑब्वियसली क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा प्राइस अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो ज़्यादा पड़ेगा, लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो जापान में ज़्यादा ही पड़ेंगे आपको इंडिया से कंपैरिजन में, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी उसी के हिसाब से काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि मेकअप के लिए लेडीज़ को पूरी तरह से अल्योर करने के लिए मेकअप आइटम्स को इतना ज़्यादा डिज़ाइन करके इतना ज़्यादा सुंदर बना के रखा जाता है कि वो लोग रह ही ना पाएँ उसको खरीदे बिना। जापान में सभी लोग मेकअप करते हैं, सभी जो मतलब लेडीज़ हैं वो मेकअप करती हैं, बहुत ही ऐसी कम लेडीज़ होती हैं जो मेकअप नहीं करती। यूटेंसिल्स की बात करें तो यूटेंसिल्स जो हैं वो सिरामिक के होते हैं, ज़्यादातर सिरामिक के होते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है, एक तो आप इसको माइक्रोवेव में कुछ भी इसमें डाल के आप गर्म कर सकते हैं, दूसरी बात कि इसको साफ़ करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, साफ़ ही रहता है ज़्यादातर। और इस तरह से और बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही कल्चरल वे के अंदर भी इसको प्रेजेंट किया जाता है मार्केट में कि एक कस्टमर अपने आप को रोक ही ना पाए इसको खरीदने से पहले। 60% लोग जो हैं, इवन 70% लोग जो हैं वो ज़्यादातर जैपनीज सामान ही यूज़ करते हैं, ये फॉरेन का सामान क्यों नहीं यूज़ करते, ये आपको एक स्टूडेंट को जापान जाके ही पता चलेगा क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।